मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर स्थानीय अदालत में 13 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए मालिकाना हक मांगने और साथ में बने मस्जिद हटाने की अपील की गई थी। इस की गई अपील को स्थानीय अदालत ने 13 एकड़ जमीन देने की अपील स्वीकार कर ली है। अपील स्वीकार होने से पक्षकार ने खुशी जाहिर की है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होने वाली है। इस पर ओवैसी का क्या बयान आया है, आइए आपको वो बताते हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा है कि जिस बात से डर था वही हो रहा है। बाबरी मस्जिद से जुड़े फैसलों की वजह से संघ परिवार के लोगों के इरादे और भी मजबूत हो गए हैं। याद रखिए, अगर आप और हम अभी भी गहरी नींद में रहेंगे तो कुछ साल बाद संघ इस पर भी एक हिंसक मुहिम शुरू करेगी और कांग्रेस ने भी इस मुहिम का एक अटूट हिस्सा बनेगी। इससे पहले भी ओवैसी ने याचिका पर सवाल करते हुए कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक किसी भी पूजा के स्थल के परिवर्तन पर मनाही है, ऐसा नहीं किया जा सकता। शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने इस विवाद का निपटारा साल 1968 में कर लिया था। इसे अब फिर से जीवित क्यों किया जा रहा है? वहीं अब देखना ये है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद केस में हुआ, क्या मथुरा में भी वैसा ही किया जा रहा है? क्या ऐसा करने से हिंदू मुस्लिम होना बंद हो जाएगा? क्या अब असल मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा? इस खबर में फिलहाल इतना ही।